Assalamualaikum. आज की स्टूडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपने WhatsApp को सिक्योर बना सकते हैं। जी हाँ, टू स्टेप वेरिफिकेशन लगा करके आप अपने WhatsApp अकाउंट को जो है सिक्योर बना सकते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि अगर आपका कोई पार्टनर यानी आपका मतलब जो भी आपके दोस्त हों वो आपके नंबर को जानते हों और उसके पास में आपका फ़ोन हो, तो वो क्या करेगा, वो अपने डिवाइस में भी आपके WhatsApp को लॉग इन कर सकता है। जस्ट वो क्या करेगा, WhatsApp नंबर एंटर करेगा, OTP जाएगा, OTP एंटर करेगा, दैट्स इट, WhatsApp जो ओपन हो जाएगा। लेकिन अगर आपने टू स्टेप वेरिफिकेशन इनेबल कर रखा होगा तो फिर क्या होगा कि वो बिना टू स्टेप वेरिफिकेशन जो यानी टू स्टेप सेकंड स्टेप का जो रहेगा उसके अंदर जो भी अपने पासवर्ड सेट कर रखा है, जब तक कि उसे एंटर नहीं करेगा तब तक के वो आपके WhatsApp अकाउंट को वो अपने डिवाइस में एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो फिर विदाउट वेस्टिंग टाइम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, आपको WhatsApp ओपन कर लेना होगा। जैसे आपने WhatsApp ओपन किया तो आपको नजर आएगा यहां पे 3 डॉट, सिंपली आप 3 डॉट पे क्लिक कीजिए। जैसे 3 डॉट पे क्लिक कीजिएगा तो आपको नजर आएगा सेटिंग्स, सिंपली आप सेटिंग्स में जाइए। सेटिंग्स में आने के बाद में आपको नजर आएगा अकाउंट, सिंपली आप अकाउंट पे क्लिक कीजिए। उसके बाद में आपको यहाँ पे नजर आ जाएगा टू स्टेप वेरिफिकेशन, सिंपली आप इसके ऊपर में क्लिक कीजिए। यहाँ पर आपको नजर आएगा इनेबल। आप WhatsApp को डबल से फिर से किसी दूसरे डिवाइस में या फिर इसी डिवाइस में आप लॉग इन कीजिएगा, रजिस्टर कीजिएगा, तो क्या होगा, आपको ये पिन मांगेगा जो पिन अभी आप इनेबल करने वाले हैं, टू स्टेप वेरिफिकेशन अभी इनेबल करने वाले हैं। सिंपली इनेबल पर आप क्लिक कीजिए। यहाँ पर आपसे 6 डिजिट का आपसे टू स्टेप वेरिफिकेशन कोड मांगेगा, वो 6 डिजिट का आप अपने से दे दीजिए जो आपको याद रहे। तो मैं यहाँ पर एंटर कर देता हूँ। उसके बाद में एक बार एंटर करने के बाद दोबारा से पूछेगा कि वही पिन जो है फिर से आप एंटर कीजिए जो अभी आपने सेट किया है। एंटर करने के बाद में उसके बाद में ये पूछेगा Add an email address to your account which will be used to reset your pin if you forget it and safeguard your account. अगर by any chance अगर आप जो पिन अभी सेट किए हैं टू स्टेप वेरिफिकेशन पिन ये अगर भूल जाते हैं, उस टाइम पे इसको रिकवर करने के लिए आपको क्या करना होगा, एक ईमेल एड्रेस देना होगा। तो मैं आपको मैं बोलूँगा कि आप यहाँ पे अपना ईमेल आईडी ज़रूर से ज़रूर दीजिए। आप चाहते हो इसे स्किप कर सकते हैं, बट नो, मैं बिल्कुल नहीं करूँगा। मैं चाहूँगा कि आप इसके अंदर में अपना ईमेल आईडी ज़रूर दें। अगर आपको नहीं पता ईमेल आईडी कैसे बनाते, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से अपना ईमेल आईडी क्रिएट कर लीजिएगा, क्या दिक्कत है। तो फिर सबसे पहले आप यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस जो है वो इंटर कर दीजिए। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस मैंने इंटर कर दिया। उसके बाद में आपको करना क्या है, नेक्स्ट बटन पे आपको क्लिक करना है। ईमेल एड्रेस इंटर करने के बाद में नेक्स्ट बटन पे आप क्लिक कीजिए। उसके बाद में जो कंफर्म बोलेगा, कंफर्म योर ईमेल एड्रेस, ईमेल एड्रेस को भी आपको कंफर्म करना है। मैं यहाँ से ईमेल एड्रेस को फिर से मैंने कंफर्म किया। उसके बाद में आपको सेव बटन पे आपको क्लिक करना है। तो अप्लाइंग सेटिंग्स, सेटिंग्स जो अप्लाई हो चुका है, टू स्टेप वेरिफिकेशन इज इनेबल्ड, ठीक है। उसके बाद में आपको सिंपली डन पे क्लिक करना है और इस तरीके से आपका टू स्टेप वेरिफिकेशन इनेबल हो जाएगा। अगर इसे आप डिसेबल करना चाहते हो तो इसे आप डिसेबल भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको डिसेबल करना है तो आप डिसेबल पे क्लिक कीजिए, डिसेबल पे क्लिक कीजिए, तो ये जो है टू स्टेप वेरिफिकेशन हैज़ बीन डिसेबल्ड, टू स्टेप वेरिफिकेशन डिसेबल भी हो जाएगा। यहीं पे आकर करके टू स्टेप वेरिफिकेशन को इनेबल कीजिए और यहीं से डिसेबल भी कर लीजिए। तो उम्मीद है आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कि आखिर किस तरीके से आप अपने WhatsApp के अंदर में टू स्टेप वेरिफिकेशन इनेबल कर सकते हैं, यानी WhatsApp को बहुत ही स्ट्रॉन्ग सिक्योर कर सकते हैं। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आइए, कमेंट कीजिए, मुझे बताइए क्या परेशानी है, उसको मैं जल्द से जल्द रिजॉल्व करूंगा। ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। फर्स्ट टाइम इस चैनल पर आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब किए हुए बगैर मत जाइएगा, क्योंकि इसी तरीके का मैं टिप्स एंड ट्रिक्स आपके लिए लाता रहता हूँ। मिलते हैं इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए आप हर एक सोशल नेटवर्क पर मुझे फॉलो कर लीजिए। अस्सलामुअलैकुम, आप अपने फैमिली का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।